हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। और हमारा नाम है, अभी आपको पता लग ही जाएगा आगे, तो देख लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मेरा नाम है, चलो बताई देते हैं यार, चलो। सो मेरा नाम है विनय एंड आपको हम क्या कहते हैं पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। सो टर्म टू का, क्लास नाइन्थ का पूरा एक नया सिलेबस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इतने प्यार से हम लोग टर्म टू का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं ना कि मजा आ जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि कैसे सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर करेंगे। एंड अच्छी बात यह है कि सीबीएसई में टर्म टू का सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, दैट इज हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। और वी कैन से हमारा जो डिसीज वाला चैप्टर है वो है ना। अब ये चैप्टर जो है छोटा सा है, बहुत ही ज्यादा ईजी सा है, बट अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें बेटा, तो ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, ये है 8 नंबर का। तो इतना भी हल्के में मत ले लेना, 8 नंबर का सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है बायोलॉजी का, तो वेटेज तो उसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास में। बढ़ते हैं आगे और धीरे धीरे करके, आराम आराम से करके अपनी सारी चीजें समझेंगे और बहुत ज्यादा ही मजा आएगा, कोई परेशानी कहीं पे होगी नहीं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो हेल्थ के बारे में जानेंगे कि हेल्थ हमारा क्या होता है, हेल्दी एंड डिसीज फ्री लोगों के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, कि कौन किसको हम हेल्दी बोलते हैं, किसको हम डिसीज फ्री बोलते हैं, क्या डिफरेंस उन दोनों में चीजें हैं, ठीक है। डिसीज का डेफिनेशन, फिर डिसीज के कॉज, कैसे डिसीज होती है, क्या उसके चीजें हैं, एंड उसके बाद एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर दी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज, तो उसके टाइप्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पे मोस्टली कवर कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करें, एक्साइटेड हो, ठीक है। सही में कह रहे हैं कि ऐसा मतलब छोड़ने का मन नहीं करेगा बीच में, अगर एक बार ही पढ़ना चालू कर दिया ना, ठीक है। तुम लोग सोच करके हैरान हो जाओगे कि व्हाई डू वी फॉल इल को कोई इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। विनय सर भी फिर क्या कहते हैं, उतना ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही बढ़िया तरीके से चैप्टर बना देंगे वाला, ठीक है। चलिए जी, सो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हेल्थ क्या होता है हमारा, व्हाट इज हेल्थ? अपने सोचते हैं कि यार अगर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, तो वो अपना हेल्थ कहलाता है, ठीक है। कि अगर अपने कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हेल्थ कहलाएगा। अपने को कोई भी बीमारी नहीं है तो वो अपना हेल्थ कहलाएगा, ठीक है। या अपन एकदम फिजिकली फिट है, अपना काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट इज हेल्दी। हम सिर्फ एक चीज को कंसिडर करते हैं, दैट इज फिजिकली फिट होना, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि अगर अपने फिजिकली फिट हैं, यहाँ पे वो चाचा वो आता नहीं था बचपन में, चाचा चौधरी, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, साबू होता था, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वही है। तो अपन क्या था, ये अपन को लगता था यार फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट है, तो अपन को हम खुद को हेल्दी जो है क्लासीफाई कर दिया करते थे, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स है हेल्दी होने के, डेफिनेशन पे भी मत जाना कि यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया सर ने तो आप आराम से पढ़ लोगे, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं हेल्दी होने के, डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटली, क्या आप मेंटली फिट हैं, क्या आप अच्छे तरीके से सारे काम कर पा रहे हैं, आपको क्या कहते हैं मेंटली डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है, स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान को स्ट्रेस है, अपना काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, एंड इस वजह से हम पूछते हैं या हम हेल्थ के अंदर स्ट्रेस को भी कंसिडर करते हैं। आप लोगों को सुनकर के हैरानी होगी, मैं भी आप लोगों को पता भी हो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस का भी इलाज करवाते हैं। भाई कोई अगर दिक्कत है, तकलीफ है, तो ही तो इलाज करवा रहे हैं ना। अच्छा जी, आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बच्चा है हमारा और उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल एनवायरमेंट, कि आप सोशली लोगों से कैसा बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ मतलब अटैच्ड है, कैसे उनके साथ काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, क्या लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो बस क्या कहते हैं लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वैसा तो बिहेवियर नहीं है। यानी कि मैं अगर आपके पास आ रहा हूं तो मैं बड़े प्यार से पूछूंगा कि भाई क्या हालचाल है, कैसे हो, सब ठीक ठाक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल मतलब काम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप सोशली लोगों के साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अपना हेल्थ में कंसिडर होता है। आप कहेंगे सर ये क्यों, यार देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे मेंटली जो एस्पेक्ट था, मेंटल एस्पेक्ट जो था हेल्थ का पार्ट है, अब तुम्हारे पास कोई बच्चा गया, बस तुमने उस बच्चे से बड़े प्यार से बोला, ओ कितने क्यूट हो तुम, ठीक है। अब बच्चा जो है छोटा बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है, तो वो बोल सकता है कि बड़ा बड़ा इनोसेंटली उसने बोला कि भैया आपकी शक्ल तो बहुत ही गंदी है, ठीक है, या दीदी आपके बाल बड़े बेकार हैं, ऐसे उसने बोल दिया। अब उसने तो बेचारे ने प्यार से बोला, या चलो बहुत ही क्या कहते हैं वो होते हैं ना चाचा ताऊ के बच्चे बड़े ही खतरनाक से होते हैं, बेकार से होते हैं, उसने बोल दिया कि भैया आपकी शक्ल कितनी बेकार है। अब तुम्हारा तो वहां पे उसने क्या कर दिया, मतलब गुस्सा दिला गया तुम्हें, तो मेंटली अब तो तुम क्या कहते हैं गुस्से में आ गए हो,
जो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड जो था उसने खराब कर दिया। तो सोशली लोगों से अच्छा बिहेव करना भी कहीं ना कहीं हेल्थ का एस्पेक्ट बन जाता है। इसको ऐसे आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। कभी हो सकता है हुआ भी हो तुम्हारे साथ तो तुम इसके साथ रिलेट कर पाओ। कोई छोटा सा बच्चा आ रहा है नर्सरी का, वो जाके बोल के चला गया ये भैया कितने बेकार से हैं, ठीक है, तो दिल पे मत लिया करो, बच्चे होते हैं वो। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मेरे को देना है कि बेसिकली हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो आया कहाँ से। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज है, ठीक है। हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरी नहीं पढ़नी अभी, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज स्टेट ऑफ बींग वेल, ठीक है, इट इज स्टेट ऑफ बींग वेल इनफ। अब being well यानी कि एकदम बढ़िया स्टेट में हो आप, ताकि आप क्या कर पाएं, ताकि आप फिजिकली कोई काम हो, ताकि फिजिकली कोई काम हो तो आप उसको अच्छे से कर सके, मेंटली आप अच्छे से परफॉर्म कर सके एंड सोशली भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये स्टेट ऑफ बींग क्या, बींग वेल क्या है, हर एक इंसान के लिए ये स्टेट ऑफ बींग वेल जो है अलग अलग है, हर एक इंसान के लिए स्टेट ऑफ बींग वेल अलग अलग है। जैसे कि हमारी दादी अम्मा है, ठीक है, दादी अम्मा को क्या करना है, मार्केट घूमने जाना होता है रोज, ठीक है, चार पांच गॉसिप कलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद, यार मैं स्पेसिफिकली किसी की दादी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे मोहल्ले में दादियां होती हैं वो यही करती हैं, ठीक है, गॉसिप कलेक्ट करती हैं एक जगह से, फिर एक जगह से फिर उसको कंबाइन करके डिस्कस करती हैं और फिर अलग अलग जगह पर फैलाती हैं, ठीक है। तो मान लो कि दादी अम्मा है, दादी अम्मा रोज मार्केट जाती हैं, ठीक है, अच्छा जी, तो अभी इनको मार्केट जाने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट जा रही हैं तो कैसी हैं, बड़ी खुश हैं। खुश क्यों है, क्योंकि इनको गॉसिप मिल रही है और ये उस गॉसिप को आगे मतलब फैला रही हैं। सो इनका मस्त चल रहा है कि इनकी लाइफ में पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट है। तो ये इनके लिए क्या है, इनके लिए एक बींग वेल वाली स्टेट है कि इनको बढ़िया लग रहा है, जो भी है अभी जीवन में बढ़िया है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर एक बात करें कि गलती से कल को क्या लग गया, कल को यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लग गया, ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया। अब दादी अम्मा जो है मार्केट नहीं जा सकती है, अब दादी अम्मा मार्केट नहीं जा सकती, उनको इसका दुख नहीं है, उनको दुख किसका है, उनको गॉसिप का दुख है कि आज मैं मार्केट नहीं गई और आज पता नहीं मैंने कितनों की गॉसिप जो है मिस कर दी, ठीक है, फलाने की बेटी ने ये कर दिया, उसका लड़का ये हो गया, फेल हो गया, ये हो गया एंड ऑल दैट स्टफ जो हमारा टिपिकली चलता रहता है। तो आज लॉकडाउन लग गया है, दो दिन का दादी अम्मा मार्केट नहीं गई है, उनको गॉसिप बिल्कुल नहीं मिली है, ठीक है। अच्छा, तो अब दादी अम्मा कैसे हो जाएंगी हमारी, इट इज वेरी ऑब्वियस, शी विल फील सैड, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा फील नहीं करेंगी, हो सकता है मे बी इरिटेटेड सा फील करे। तो अब दादी अम्मा के लिए दिस मार्केट गोइंग थिंग इज क्या, स्टेट ऑफ वेलबींग, जब वो मार्केट जा रही है, लोगों से मिल रही है, खेल मतलब बातचीत कर रही है, तो शी इज फीलिंग गुड, यानी कि शी इज बींग वेल, ठीक है। दी आइडिया ऑफ बींग वेल जो है वो सबके लिए अलग अलग है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है जैसे कि कुछ हमारे बच्चे जो होते हैं वो रात को सोते हैं 2-3 बजे, ठीक है, मस्त क्या कहते हैं, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे चैट कर करा करके, आई नो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। और सुबह उठते हैं कितने, 10 बजे, ठीक है, 12 बजे उठते हैं, कुछ कुछ तो महान ऐसे होते हैं। सो अब यहाँ पे ये जो 2-3 बजे बच्चे सो रहे हैं, सुबह 10-12 बजे उठ रहे हैं, इनको इस शेड्यूल में रहने की आदत है, इनको अच्छा लगता होगा, मैं भी रात को गेम खेलते होंगे, कुछ भी करते होंगे, पबजी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट वट इफ मैं क्या करूँ, इनको 2-3 बजे की जगह एक दिन मैं कहूँ कि भाई 10 बजे सो जाओ। अब इनकी एक तो पहली बात आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, 10 बजे सोए कैसे, या अगर आपने इनको 10 बजे क्या कहते हैं लाइट वाइट बंद करके सुला भी दिया तो अल्टीमेटली इनकी आंखें जो है ना खुली रहेंगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार ठीक है उनको नींद नहीं आ रही, वो एक अलग केस है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके लिए वेलबिंग क्या है, 2-3 बजे सोना, वो रात को 2-3 बजे सोएंगे, अब चाहे चैट करके सोएं, चाहे पबजी खेल के सोएं, ठीक है, अपना अपना वेलबिंग है। किसी के लिए पबजी खेलना खुशी होगी, किसी के लिए वो समझ लो ना, जो बच्चे मेरे से बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो एक रिंकी हमारा एक करेक्टर है, एक फिक्शनल करेक्टर है हमारा रिंकी, तो जो बच्चे 2-3 बजे पबजी खेल रहे हैं उनका अलग वेलबींग है, जो बच्चे हमारे रिंकी से बात करके सो रहे हैं उनका अलग वेलबींग है। तो अलग अलग वेलबींग होते हैं हर किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, क्या बोला गया, एक बार पीछे आते हैं, इन स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ बींग वेल इनफ, आप एकदम बढ़िया रहें, ठीक रहें, ताकि आप क्या कर सकें, फंक्शनल कर सकें वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। अगर आप बींग वेल नहीं है, जैसे कि दादी जो थी हमारी, अगर वो मार्केट जाने को उनको नहीं मिलता तो वो घर में पड़ी रहती, ठीक है, थोड़ा आलसी सा फील करती, कोई काम करती नहीं, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो मेंटली थोड़ा सा इरिटेटेड भी हो जाते हैं कि यार आज मेरे को मार्केट जाने को नहीं मिला, चलो एक दिन का ठीक है, लेकिन 2-3 दिन तक मार्केट जाने को नहीं मिला तो फिर दादी भी परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद सोशली लोगों से बात करने को नहीं मिल रहा, एंड इफ इन केस अब दादी को जो अपने गॉसिप मिल नहीं रही है, दादी सुपर इरिटेटेड, अगर गलती से तुम उनके पास चले गए कि दादी 500 रुपये दे दो चीज़ खानी है,
ठीक है, तो दादी विल बी लाइक कि मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ भागो यहाँ से। तो ये सारा जो होता है ना मैटर करता है हेल्थ के अंदर। तो हेल्थ का एक सिंपल सा डेफिनेशन इस तरीके से मतलब बनाया गया कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ इज स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। बहुत सारी जगह डेफिनेशन इस तरीके से भी लिखी हुई है, क्या हेल्थ जो होता है ठीक है इज स्टेट स्टेट ऑफ फंक्शनिंग ठीक है या स्टेट ऑफ वेल बींग ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं, इट इज स्टेट ऑफ वेल बींग टू फंक्शन ठीक है फिजिकली एंड मेंटली एंड टू फंक्शन फिजिकली, या इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं क्योंकि बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। तो हेल्थ जो है स्टेट ऑफ वेलबींग इन फिजिकल मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट, और छोटा कर दिया मैंने, इन फिजिकल ठीक है सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट। तो ये भी आप लोगों का क्या कहलाता है, ये भी आप लोगों का हेल्थ कहलाता है। तो आप इसको भी यहां पे डेफिनेशन में लिख सकते हैं, जो आप लोगों को डेफिनेशन इजी लिखे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को क्या चाहिए, अपन को नंबर चाहिए, कैसे मिलेंगे, डेफिनेशन लिख करके आने से मिलेंगे, नंबर कौन दिलवाएगा, हम दिलाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, डेफिनेशन सुपर इंपॉर्टेंट है ठीक है। अच्छा जी आगे आते हैं, नाउ वी कैन थिंक ऑफ दिस वेलबींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। अब देखो जाहिर सी बात है कि जब कोई इंसान अपनी वेलबींग के अंदर होगा, बढ़िया तरीके से रह रहा होगा, जिस तरीके से वो जाता है वैसे रह रहा होगा, तो उस दौरान वो अपनी इफेक्टिव फंक्शनिंग जो है कर रहा होगा, यानी कि बहुत बढ़िया से वो अपना काम जो है कर रहा होगा। दादी को अगर रोज बाहर घूमने जाने को मिले तो दादी पूरे दिन चिल रहेंगी मजे में ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी क्वेज है जो आप लोगों के सामने आ रही है ठीक है। बीच बीच में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते रहेंगे जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। हेल्थ का डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैंने उसके ऊपर एक क्विज दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हेल्थ जो होता है इस स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली सोशली या ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, चलो फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं लोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर जो है ना स्पैम कर देना कि ये आंसर है ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो जी आगे बढ़ेंगे उसके बाद ठीक है, विद इन 10 सेकंड्स, ओके 5 सेकंड हो भी गए हैं, 5, 4, 3, 2 and 1 दैट इज फाइन, बस इतना काफी है। सो अभी पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, यहां पे हमारा करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव ठीक है। इजी है, हेल्थ का सिंपल सा डेफिनेशन पूछा था, इजी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो होता क्या है कि हेल्थ जो है जैसे कि उसमें लिखा है इट इज फिजिकल मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो हेल्थ जो होती है ना वो सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था छोटे बच्चे का या चाचा के लड़के का, बोल दिया चाचा का लड़का आया, उसने बोल के चला गया, ए भैया कैसी शक्ल है आपकी ठीक है। बार बार ही बोलो उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों की बेइज्जती कर रहा हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हुआ क्या कि वहां पे हेल्थ जो है हमारी कौन खराब कर गया है, हमारा मेंटल एस्पेक्ट जो है हमारा कौन खराब कर गया, सामने वाला पर्सन। या दादी माँ का केस अगर लोगे तो लॉकडाउन किसने लगाया था, सरकार ने लगाया था। तो दादी माँ का वेलबींग किसने खराब करा, सरकार ने खराब करा। ऐसा तो नहीं कि दादी माँ को जबरदस्ती घर में हमने रोक लिया है या दादी माँ अपनी मर्जी से रुकी जा नहीं रही है। हमारी हेल्थ जो होती है क्योंकि उसके अंदर तीनों एस्पेक्ट्स आते हैं, फिजिकल सोशल एंड मेंटल, तो जब तीन एस्पेक्ट किसी चीज में आ जाते हैं तो उसको ना हम खुद से एक तरह से कह सकते हैं कि सही नहीं रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों के सामने, इस वीडियो में ना एक दिख रहा है साइक्लोन आ रखा है, देखो बहुत ही खतरनाक सा साइक्लोन है, देखो ध्यान से ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोन आप लोगों को दिख रहा है, बहुत ही महंगी वीडियो लगाई है सर ने, आगे बहुत सारे ऐसे एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो चिल होकर के पढ़ेंगे, आगे आप लोगों के सामने कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी आएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो अब मुश्किलें छोड़ के जाना, एक बारी क्लास में तुम आ गए अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें छोड़ के जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये जो भी हमारा साइक्लोन आ रखा है, अब इस साइक्लोन के अंदर आसपास जो है बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी, हो सकता है इस हवाओं की वजह से मतलब कुछ आसपास वाले लोग जो है इंजर्ड भी हो जाए। यार अब उन लोगों की गलती थोड़ी ना है, यहाँ पे तो किसकी गलती है, यहाँ पे तो एनवायरमेंट की गलती है। अब उन लोगों को चोट लग गई तो फिजिकल एस्पेक्ट जो था उनका वो खराब हो गया है, यानी कि उनके पैर में चोट लग गई तो फिजिकली अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बेचारों उनकी गलती क्या थी बताओ भाई, कुछ गलती थोड़ी ना थी। लॉकडाउन लग गया, दादी की गलती क्या थी, चाइना वालों ने कोविड भेजा तो फिर दादी की गलती क्या थी, दादी क्या करे उसमें, दादी ने थोड़ी ना बोला था कि चमकादड़ खा जाओ, दादी ने थोड़ी ना बोला था, वहां पे खा लिया यहाँ पे आ गया, मतलब ये कहानी है, मुझे नहीं पता कितना सच्चा है कितना झूठ है।
ठीक है, सम ऑफ दे हैव बीन परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट, उस वजह से ये स्प्रेड हुआ है, बट लेट्स नॉट मतलब टॉपिक से डिविएट नहीं होते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। सो हेल्थ का जैसे हम लोगों ने पढ़ा मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ईच ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आर ओन, हम में से कोई भी इंसान जो है इसको पूरा का पूरा खुद से एंटायरली अचीव नहीं कर सकता, दिक्कतें आएंगी बिल्कुल आएंगी, ठीक है। एंड दैट्स वाई हमारी हेल्थ जो होती है डिपेंड करती है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर हेल्थ डिपेंड करती है, सोशल एस्पेक्ट है ना भाई, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर भाई अभी कल को एग्जाम आ गया, ठीक है, अब हमने सोचा था कि एग्जाम जो है होगा कैसा, ऑनलाइन, थोड़ा सा दिल पे पत्थर लगेंगे, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो हमने सोचा था एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन होंगे तो कैसा भी चलेगा, किसी से भी पूछ के आंसर बता देंगे, लेकिन सीबीएसई वालों ने क्या कर दिया, ऑफलाइन एग्जाम रख दिया। अब ऑफलाइन एग्जाम रख दिया तो अब जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी थी, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, पता चला पढ़ने वाले बच्चे बुरा मान जाए, तो जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी थी उनको हो गया मेंटल स्ट्रेस, किसने दिया, सीबीएसई ने दिया, अगर पढ़ के रहते तो अपना स्ट्रेस थोड़ी ना कम होता, कहीं ना कहीं पढ़ाई भी सोचो स्ट्रेस से रिलेटेड कर रही है, तो आपका जो हेल्थ है ना वो छोटी छोटी चीजों पे अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे लोगों की फीलिंग सेट हो जाती है, उसी तरीके से हेल्थ भी जो है छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। सो अ पर्सन इफ इन केस एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप लोगों से पूछा जाए कि क्या कोई व्यक्ति या मतलब क्या कोई पर्सन विल बी एबल टू अचीव इट्स हेल्थ कंप्लीटली, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, नो, कोई भी इंसान कभी भी एकदम हर एस्पेक्ट में फिजिकली फिट मतलब हर एस्पेक्ट में फिट नहीं रह सकता है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेरी पीरियड के लिए रहे कि लोगों से अच्छे से बात हो रहा है, मेंटली भी एकदम सॉर्टेड है, फिजिकली भी एकदम सॉर्टेड है, बट कल को कोई आके उसको परेशान कर दे फिर उसका मेंटल एस्पेक्ट जो है खराब हो जाएगा। तो कोई इंसान जो है लंबे टाइम के लिए तीनों एस्पेक्ट में फिट नहीं रह सकता, या कह सकते हैं कि कोई इंसान जो है लंबे समय के लिए हेल्दी नहीं रह सकता है। ओके, अच्छा, अब एक टॉपिक आप ऊपर देख रहे हैं कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज जो होते हैं बोथ मैटर इन हेल्थ, हेल्थ के अंदर पर्सनल एज वेल एज कम्युनिटी इश्यूज, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट हेल्थ का पार्ट है, तो कम्युनिटी इश्यूज, हम किस कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो यू नो अफेक्ट आर हेल्थ, दैट ऑल्सो अफेक्ट आर हेल्थ। एग्जाम्पल के तौर पर अब जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यार हम किसी कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट अब क्या है कि उस कंपनी के आसपास की जो एनडीएमसी वाले लोग हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं हमारी बेसिक पब्लिक सर्विसेज वो वहाँ की अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ना हमारा ट्रक वगैरह कचरा उठाने नहीं आ रहा है, यूजली क्या होता है बाकी अदर सोसाइटीज में ये ट्रक आता था अपना कचरा उठाता था तो चले आता था, अब ये जो ट्रक है बहुत टाइम से नहीं आया है, अब नहीं आया तो इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से हमारे आसपास के क्या कहते हैं इलाके में पूरा कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया है, एंड अब ये कैसा इन्वायरमेंट हो चुका है, थोड़ा सा गंदा अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट हो चुका है, ठीक है, एंड ऐसे इन्वायरमेंट में बेटा जी हमारे क्या होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट की वजह से फैलती हैं बीमारियां, ठीक है, दिस इन्वायरमेंट लीड टू, ठीक है, कह सकते हैं डिसीज जो होती है ऐसे इन्वायरमेंट से होती है डिसीज, या इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या हमारे माइक्रोब्स जो कॉज करते हैं क्या डिसीज, कॉज करते हैं डिसीज, कॉज करने वाले माइक्रोब कीटाणु वगैरह सब इसके अंदर, क्योंकि यार उनको देखो ग्रो करने के लिए चाहिए, उनको क्या चाहिए गंदगी चाहिए, गंदगी में वो अपना ग्रो करेंगे, तो जितना ज्यादा गंदगी होगा उतना ज्यादा हमारा बीमारियां फैलेगी। तो अब यहां पे ना तो तुम्हारा रोल था, किसका रोल था, कम्युनिटी इश्यूज है एक तरीके से, क्या कम्युनिटी इशू है, ठीक है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी के अंदर जो हमारा एनडीएमसी वाले हेड थे या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हेड थे, ठीक है, उन्होंने अपना काम नहीं करा जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, सो दिस इज अ कम्युनिटी इशू। अब किसी और की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज, एक महीने के लिए ऐसा हो जाए तो कितना तो मतलब ऐसा तो मौत आ जाएगी भाई, हर तरफ कचरा कचरा दिखेगा, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, मम्मी को मतलब मम्मी तो वैसे तो चप्पल मारेंगी, ठीक है, बट मम्मी को बोल देना कि मम्मी एक महीने के लिए कूड़ा मत फेंको, ठीक है, तो मम्मी का पहला जवाब यही होगा कि घर में क्या करोगे इतना कचरा करके, बीमारियां फैलानी है, यही होता है यार, कचरों से बीमारियां फैलेंगी बिल्कुल फैलेंगी, उसी में मक्खी लग रही है, वही मक्खी खाने पे जा रही है, पता चला एक दो दिन बाद उस मक्खी को चाय के साथ पी भी रहे हो, सब कुछ वही कर रहे हो, सॉरी थोड़ा ग्रोस आउट करने के लिए बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी साफ सफाई रखा करो, ठीक है, जिस कमरे में सो रहे हो एटलीस्ट उसके तो आसपास साफ सफाई रखा करो,
हमारे नाना जी एक बात बोलते थे कि अगर कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपनी पूंछ से मिट्टी हटा के बैठता है, तो साफ सफाई रखा करो ताकि थोड़ी जो हेल्दी लाइफ है, जो डिसीज वगैरह जो वाला कंडीशन है वो थोड़ा कम हो। अभी बताएंगे कि डिसीज कैसे फैलती है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, कितना जरूरी है वो, कितना जरूरी नहीं है। चलिए आगे आते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक्स केयर या टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग द ड्रेन्स एंड इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन स्ट्रीट्स और ओपन स्पेसेस। क्या होगा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि भाई जहाँ पे पानी पड़ा है पड़े रहने दो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है होने दो, हमें मतलब नहीं है, हम क्यों करें साफ, हमारे घर के सामने थोड़ी ना है, जिसका घर के सामने वोट आएगा। तो उस चक्कर में गंदे पानी में भी बहुत सारे हमारे कीटाणु ग्रो करते हैं। एंड सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इसका, दीज आर मॉस्किटो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब ऐसा मॉस्किटो का सीजन आता है ना, जब मॉस्किटो पैदा होने का सीजन आता है, तो हमारे गलियों में एक तो वो होते हैं ना अंकल से जिनकी बाइक के पीछे से बहुत सारा धुआं सा निकल रहा होता है, ठीक है, सारे बच्चे हमारे जो है सारे बच्चे उसी धुएं के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा तो स्नोफॉल सा सीजन हो गया है, सारे बच्चे उसी धुएं के अंदर घुस जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें होती हैं एंड उसी के ऊपर एक अनाउंसमेंट भी चलता रहता है कि भाई अपने घरों के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने कूलर का पानी बदलें, टंकी का पानी बदलें, ठीक है, पानी को बार बार वो करें। एंड फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि अपने घर के बाहर अगर कोई गड्ढा वड्ढा है, जो भी चीजें हैं, उसके अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। क्यों ना होने दें? अरे क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो उसके अंदर मॉस्किटो पैदा होंगे, और मॉस्किटो जो है हम इस चैप्टर के अंदर ही आगे जानेंगे कि बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दो चार बीमारियां तो याद ही होंगी, कहीं ना कहीं इधर उधर किसी के मुंह से सुन ली होंगी, ठीक है, तो मलेरिया हो गया, ओके, डेंगू हो गया, तो ये कौन फैलाता है? ये मॉस्किटो फैलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो गंदे पानी से भी क्या हो सकता है, बीमारियां जो है फैल सकती हैं। तो पहले तो क्या हो गया, हेल्थ हमारी किस वजह से अफेक्ट हो रही है, सॉरी हेल्थ का कौन सा कम्युनिटी इशू हमारा अफेक्ट कर रहा है, पब्लिक हाइजीन, उसमें हमारा ये आ गया, ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल अच्छे से नहीं हो रहा है, या वाटर का क्या कहते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा साफ करने के लिए, और क्या क्या हो चीज हो सकती है उसके बारे में जरा जानते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। सो इफ देर इज ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन आउट इन आर स्ट्रीट्स और देर इज ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब बेटा एकदम खड़ा हुआ, स्थगित, ठीक है, एकदम कह सकते हैं शांत पानी जो होता है उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, शांत पानी। अच्छा जी, ओके, अराउंड वेयर वी लिव द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीज, तो जो पॉसिबिलिटी होती है किसकी, पुअर हेल्थ की, खराब हेल्थ की, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की वजह से बीमारियां फैलती है, बीमार होते हैं, और लोग बीमार होंगे तो उनकी हेल्थ जो है जाहिर सी बात है कम तो होगी ही होगी, बिल्कुल होगी ही होगी, ठीक है। देयरफॉर पब्लिक क्लीनिनेस जो है इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। अब आप लोगों से एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, सीबीएसई वाला बड़ा तेज है, क्या पूछेगा कि ये बता बेटा कि पब्लिक क्लीनिनेस का किस तरीके से हेल्थ को मेंटेन करने में रोल होता है। तो भैया कचरा उठाइए, ये जो पानी जमा हो रहा है उसको उठाइए, सारी चीजें करिए और टाइम टू टाइम करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे कचरा इकट्ठा हो रहा है तो होने दीजिए। तो अपने आसपास अगर कहीं ऐसा देखो तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, म्युनिसिपल वालों को फोन करो और बोलो कि कचरा उठाओ, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए बोल दो कि हमें बीमारी वाली जगह पे नहीं रहना है। उस तो एग्जाम में सीबीएसई जो है यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को, दो ही पॉइंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए कि पब्लिक क्लीनिनेस का क्या रोल होता है हेल्थ के अंदर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए और क्या क्या कम्युनिटी इश्यूज हो सकते हैं हम लोगों के लिए, अगर हम लोगों को हेल्दी रहना है तो भाई अपन को बढ़िया खाना चाहिए, क्या होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। अब बढ़िया खाने से मेरा मतलब यह नहीं कि पिज्जा, ऑल्दो बच्चों के लिए पिज्जा बहुत ज्यादा बढ़िया खाना होता है, ठीक है, ये मोमोस वगैरह, नूडल्स वगैरह, इन सब का बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, बर्गर वगैरह, बट बढ़िया खाने से मेरा मतलब है कि सब्जियां, ठीक है, क्योंकि जंक फूड इज नॉट हेल्दी, वी ऑल नो। तो बट चलो ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। अब इस खाना को खाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि कुछ खरीदना है तो पैसे तो देना पड़ेगा, ओके। नाउ वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड, कैसे कैसे उसको कमा सकते हैं, बाई डूइंग वर्क, काम करके ही कमा पाएंगे। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज टू बी अवेलेबल। अब इसके लिए क्या है, अपने को देखो, हम काम करने के लिए तैयार हैं ताकि पैसा कमाएं और खाना खाएं, लेकिन इसके लिए क्या है, कम से कम काम भी तो मिलना चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए काम करने के लिए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार कहीं ना कहीं वो भी रिलेटेड है टू हेल्थ,
तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं भी करोगे तो मेरा क्या जा रहा है, करना ही पड़ेगा क्योंकि लॉजिक तो एकदम करेक्ट है, है ना। तो ये जो रोजगार होता है कहीं ना कहीं इट ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जो होता है इट इज ऑल्सो क्या कहते हैं रिलेटेबल टू हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इन केस किसी इंसान की नौकरी वगैरह चली जाती है, हाँ वो कुछ समय तक अपने पास पैसे जो भी रखे होंगे उससे जुगाड़ कर लेगा, ठीक है, बट बाद में क्या करेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं इनके पास भी नौकरी नहीं है तो ये भी बड़े दुखी हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, इन अ पर्सन लाइफ टू बी हेल्दी, ठीक है, या टू डिसाइड अ पर्सन विल बी हेल्दी और नॉट। देखिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उसको फिर बेचारे को टेंशन रहेगी, और टेंशन रहेगी तो मेंटल एस्पेक्ट जो है हिल जाएगा, मेंटल एस्पेक्ट हिल जाएगा तो लोगों से अच्छे से बात नहीं करेगा, तो वन थिंग लेड टू अनदर, ठीक है, अल्टीमेटली काम जो है खराब हो जाएगा पूरे के पूरे इंसान का। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, लास्ट एक पब्लिक इशू, एम्प्लॉयमेंट भी एक पब्लिक इशू है या कम्युनिटी इशू कह सकते हैं, लास्ट एक इशू जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है दैट इज सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। ठीक है, ये नेसेसरी होते हैं किसके लिए, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। सोशल इक्वालिटी और हार्मनी क्या यार, देखो हार्मनी मतलब कि सद्भाव से, प्रेम की भावना से रहना है, ठीक है, पड़ोसियों से, समझ रहे हो, किसी और से नहीं, पड़ोसियों से प्रेम की भावना से, यानी कि अगर कोई प्यार से बात करे तो प्यार से बात करनी है, ठीक है, ये नहीं कि कोई प्यार से बात करे तुम जाके गुस्सा करके आ गए क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो जिस सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं तो उस सोसाइटी में कैसे बात करें, प्यार से बात करें, ठीक है। तो अब इफ इन केस, जैसे मान लो कि अब तुम्हारे घर में बगल में कोई पड़ोसी है, ठीक है, तुम कहोगे सर बगल में तो अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है, अगेन अफेक्शनल करेक्टर, ठीक है, हमारा जो था सर बगल में तो रिंकी रहती हैं, वो तो अच्छी हैं, उनको मत बोलिए कुछ, हम कह रहे थे सामने वाले घर में, ठीक है, चलो सामने वाला भी छोड़ो, क्या पता कुछ बच्चों के सामने रहती हूँ तो दूसरी गली में, ठीक है, कोई वहाँ पे दूसरी गली तो फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा, अब जहाँ पर रहती हो ठीक है, मान लेते हैं हमारे आसपास कोई एक इंसान है जिसका लड़ाई करने का बार बार ही मन रहता है, ठीक है, या जो बहुत गंदगी से रहता है, अब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उससे बातचीत नॉर्मल करने जा रहे हैं बट वो आपसे लड़ाई कर रहा है, तो क्या आपका मूड खराब नहीं होगा, आपका मेंटल एस्पेक्ट नहीं खराब होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, होगा भाई, डेफिनेटली होगा। तो अगर आप लोग सब सोशल इक्वालिटी में एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, इक्वालिटी से रहें, बराबर तरीके से रहें, ठीक, ये नहीं कि हाँ भाई तू छोटा है तू बड़ा है ये वो, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो करना ही नहीं है, ठीक है, नर्क में भुने जाओगे अगर किसी को ऐसा बोल दिया कि हाँ भाई तू छोटा है तू ये है तू वो है, बहुत ज़्यादा, और सस्ते वाले तेल में भुने जाओगे, पहले बता रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं कि थोड़ा घी भी में भून देंगे, सस्ते वाले तेल में भुने जाओगे, किसी को छेड़ना नहीं है ऐसे। तो सोशल इक्वालिटी और हार्मनी से रहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल वाला जो एस्पेक्ट होता है या सोशल एस्पेक्ट जो तो हमारा था ही था वो तो खराब होता ही होता है, साथ ही साथ अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो मेंटली भी एस्पेक्ट खराब हो सकता है, और ज़्यादा लड़ाई हो गई तो हो सकता है कि फिजिकल एस्पेक्ट भी खराब हो जाए, है ना, एक दूसरे को पीट पाट दिया तो फिर उस चक्कर में वो भी खराब हो सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं हम लोग आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम करेंगे एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, क्वेश्चन पढ़ लो, इनमें से कौन सा हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आप लोगों के सामने ऑप्शन जो है वो देख लो क्या क्या है। चलिए जी, सोशल इक्वालिटी, पब्लिक हाइजीन, एम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकंड का समय है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में होने वाले हैं, तो आप लोगों को ज्यादा समय मिलेगा ही नहीं। चलो ओके, 5 सेकंड बचे हैं, 4, 3, 2 एंड बस, इतना काफी है। कमेंट सेक्शन में आंसर जो है, मैंने क्या कहा था, देखो एक आंसर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें स्पैमिंग करनी है, कमेंट सेक्शन में भर दो कि हाँ सर ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। अपन को चाहिए बहुत सारे आंसर्स बच्चों से, ठीक है। बाकी अगर आपको क्या कहते हैं वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि इसको लाइक भी करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। सर इतनी मेहनत से सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, बहुत ही प्यार से सिखा रहे हैं, तो मैं लोगों को लग भी नहीं रहा होगा कि चैप्टर इतना बोरिंग है, ठीक है। सो आई बिलीव कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छा आंसर इसका बता दे, सॉरी आंसर यहाँ पे तो तुम लोगों को पता ही है, इसमें बताना क्या है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके चलो जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अच्छा यहाँ पे अब देखो क्या है, हम बात करेंगे किसी किसकी, हेल्दी एंड डिसीज फ्री लोग, मतलब हेल्दी और डिसीज फ्री में क्या डिफरेंस है। दोनों सुनने में तो सेम सेम लग रहे हैं कि हेल्दी एंड डिसीज फ्री, ठीक है, इसके बारे में जरा समझते हैं। हेल्थ की वाली जो स्लाइड मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी उसको वापस यहाँ पे लगाया है,
जस्ट एक बारी मेक श्योर कि आपको डेफिनेशन याद है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेल्थ का डेफिनेशन क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये बात आपको पहले मैंने बता दी थी, ठीक है, इसी लेक्चर में सबसे पहली स्लाइड थी हमारी ये। ओके, डिसीज की अगर हम बात करें, डिसीज हमारा क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में हम लोगों को डिफरेंस देखना है, तो पहले हेल्थ ही देखेंगे, फिर डिसीज देखेंगे, फिर डिसीज फ्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, हेल्थ देख लिया, डिसीज के बारे में देखेंगे, फिर डिसीज फ्री के बारे में, दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सो डिसीज क्या होता है? डिस्टर्ब्ड ईज। ईज का मतलब क्या होता है? आराम, आराम। जब आराम हराम हो जाए, ठीक है, आराम पूरा का पूरा खराब हो जाए, आप कह सकते हैं कोई आपका पूरा चैन सुख खराब कर दे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसीज। उस कंडीशन को हम लोग डिसीज कहते हैं। डिस्टर्ब्ड ईज, आपका पूरा का पूरा आराम खराब हो गया, आप अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, किसी भी वजह से हो सकता है, आप थोड़ा थका थका फील कर रहे हैं, कुछ भी इरिटेटेड सा फील कर रहे हैं, किसी इंसान ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, ऑल थिंग्स विल कम अंडर डिसीज, ठीक है। बट यहाँ पे जो वीडियो दिख रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बच्चा जो है हमारा हॉस्पिटल जाता दिख रहा होगा, काफी खुशी खुशी हॉस्पिटल जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना अपन को, हो सकता है कि कोविड की वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हो इसलिए खुश है, ठीक है। बट देखिए, डिस्टर्ब जो है, सॉरी, डिसीज क्या है हमारा? डिस्टर्ब इज, जो आपका आराम जो है वो थोड़ा खराब हो जाए, आपको अनकंफर्टेबल सा फील हो, ठीक है, इट मींस बीइंग अनकंफर्टेबल। ओके, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेट रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, या कह सकते हैं लेट रहे हैं तो बॉडी में पेन वगैरह हो रहा है, कुछ खा रहे हैं तो गले में दिक्कत आ रही है, ठीक है, गला थोड़ा सा मतलब कफ सा बन रहा है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? डिसीज में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी का स्निप लगा रखा है, एनसीईआरटी का एक फोटो लगा रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि एनसीईआरटी से अच्छा यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता है, तो एक स्लाइन को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऐसे बोली गई हैं जो हम लोगों के लिए डायरेक्टली पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने डिस्टर्ब सॉरी डिसीज की बात कर ली, कि व्हाट इज डिसीज, डिसीज क्या है? डिस्टर्ब्ड इज, या कह सकते हैं बीइंग अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वी टॉक ऑफ डिसीज कब? When we can find a specific and particular cause for discomfort. जब हम किसी particular discomfort के बारे में पता लगा लेते हैं, एक बार फिर से, हम disease के बारे में बात करते हैं कब? When we can find a specific and particular cause for discomfort. Example के तौर पे आप लोगों के सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, stress की वजह से। अब वो stress किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, रात को पबजी नहीं खेलने को मिला, या रात को चैटिंग करने को नहीं मिली, घर वालों ने बोल दिया कि आज जल्दी सो जाओ, ठीक है, कल सुबह कहीं जाना है, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वो जो स्ट्रेस है वो हो सकता है, है ना। तो अब आप लोगों को स्ट्रेस हो गया, अब सर में दर्द हो रहा है, तो अब आपको पता है कि यार ये जो हमारा सर दर्द है किस वजह से हो सकता है, या मतलब आप कह सकते हैं जब हम कभी अनकंफर्टेबल फील करें एंड उसका हमें एक वजह पता हो, दैट मीन्स कि वो एक डिसीज है। We can talk of a disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. अगर आपको discomfort feel हो रहा है and उसका कुछ specific, कुछ एक है cause, कुछ एक वजह है, तो यानी कि वो एक disease है। This doesn't mean that we have to know the absolute final cause. अब इसका ये मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा final cause ही ढूंढना है, ठीक है, यानी कि आप लोगों के सर में दर्द हो रहा है, हो सकता है stress की वजह से हो, ठीक है, हो सकता है किसी और तरीके से हो। अब जरूरी नहीं है कि stress भी क्यों हो रहा है, अरे भाई क्या करोगे जान करके, ठीक है। वी कैन से दैट समवन इज, एग्जांपल के तौर पे, सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ठीक है, विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज कॉज्ड द लूज मोशंस। अब डायरिया एंड लूज मोशंस द सेम थिंग, ठीक है, जब क्या कहते हैं फ्रीक्वेंटली वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जब फ्रीक्वेंटली पॉटी जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम लोग डायरिया कहते हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, तो अब हम कह सकते हैं कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ओके, अब हमें इसका पता नहीं है कि भाई किस वजह से हुआ है, बट अगर वो डायरिया से सफर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, नाउ विल सी दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर डिसीज। अब यहाँ पे है क्या, हम लोग पुअर हेल्थ में रह सकते हैं। अब यहाँ पे हेल्दी और डिसीज फ्री का फंक्शन, मतलब बेसिकली कह सकते हैं डिफरेंशिएट किया जाएगा कि यार हेल्दी और डिसीज फ्री में क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग किसी डिसीज फ्री इंसान को हेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, सोचो, लॉजिक लगाओ पहले, क्या हम लोग किसी डिसीज फ्री इंसान को, यानी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है उसको, हम मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बारी के लिए आप उसको बोल दो कि उसका सोशल एंड क्या कहते हैं फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट सब ठीक है, ठीक है, तो क्या उसको हम लोग डिसीज हेल्दी बोल सकते हैं? आप लोगों के सामने
यहाँ पे हमारे दो करेक्टर्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, और मैंने ये वीडियोस को स्पेसिफिकली ढूंढ करके छान करके लगाया है। ठीक है, दो एग्जांपल्स मेरे को देने हैं, ठीक है, और दोनों ही एग्जांपल्स हमारे बड़े खतरनाक है, देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो को आराम से। ओके, अब इस वीडियो में तुम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा एक तरफ एक डॉग है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं दिस इज आर म्यूजिशियन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये हमारा म्यूजिशियन है। म्यूजिशियन तो पता ही होगा ना, जो गाना वाना गाता है, ठीक है, ये कंपोजर भी कह लो जो गाने बनाता है। एंड यहाँ पे हमारा ये डांसर है, यहाँ पे हमारा ये डांसर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इस डॉग की बात करें, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उस डांसर की बात करें, डॉग और डांसर नहीं बोलेंगे, सॉरी, डॉग नहीं बोलेंगे, डांसर और म्यूजिशियन। अगर मैं बात करूँ किसी डांसर के लिए क्या होना ज़रूरी है, ये अपनी बॉडी को इतने अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, ये चाहता है कि इसकी बॉडी कैसी रहे, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है, ताकि ये बढ़िया डांस मूव कर सके, ठीक है, ये बढ़िया क्या कर सके, डांस मूव कर सके। लेकिन अगर किसी म्यूजिशियन की बात करूँ, अब यहाँ पे ये हमारा म्यूजिशियन जो है भाई जी, ये भाई जी पियानो बजा रहे हैं। अब पियानो बजा रहे हैं तो ये क्या चाहते हैं कि इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहे, ताकि इनको पियानो के जो बटन्स हैं, कीज जो हैं, वो याद रहें। या अगर कोई फ्लूट वगैरह बजा रहा है, अगर कोई बांसुरी बजा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, वो कितने अच्छे तरीके से अपनी सांस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ब्रीदिंग पावर, ठीक है, उसके लिए बॉडी फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी नहीं है, ब्रीदिंग पावर। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ तुम लोगों को क्या करो, अब तुम इस डांसर के नज़रिए से उस डॉग को देखो, ठीक है, इस डांसर के नज़रिए से उस डॉग को देखना है, ये डांसर के लिए हेल्दी क्या होना है, इस डांसर के लिए हेल्दी क्या है, इस डांसर के लिए फ्लेक्सिबल बॉडी होना, इस डांसर के लिए फ्लेक्सिबल बॉडी होना इज हेल्दी। ठीक है, मेरे को इसका डांस देख करके बार बार हंसी आ जा रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इस डांसर के लिए फ्लेक्सिबल बॉडी होना इज हेल्दी। ठीक है, अच्छा, लेकिन वहीं पे अगर आप इस म्यूजिशियन के एंगल से उसको देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि भाई तेरे को तो क्या कहते हैं, मतलब मेमोरी तेरी तेज है नहीं, तेरे को की नोट्स वगैरह या जो भी पियानो की कीज़ हैं वो याद होती नहीं है, ठीक है, ब्रीदिंग पावर भी तेरी बेकार है, तेरे को बांसुरी दो तो बजा नहीं सकता, तो इसके लिए हेल्थ क्या है, इसके लिए हेल्थ क्या है, मेमोरी और ब्रीदिंग पावर। तो अब ये दोनों अपने अपने केस में हेल्दी हैं, बट एक दूसरे के नज़रिए में ये लोग हेल्दी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो, अगर मानो कि मैं डॉग की नज़र, मतलब मैं क्यों बोलूँ, मैं म्यूजिशियन की नज़र से उसको देख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं म्यूजिशियन की नज़र से उसको देख रहा हूँ, तो मेरी नज़र में उसके लिए क्या है, उसकी हेल्थ पुअर है, ठीक है, इसकी क्या है, पुअर हेल्थ है, मान लेते हैं। लेकिन क्या मेरे इस डांसर को कोई डिसीज हुई है, नहीं हुई है, मैं बस इसको क्यों बोल रहा हूँ उसकी हेल्थ खराब है, क्योंकि भाई इसके पास ब्रीदिंग पावर, इसके पास इतनी मेमोरी तेज नहीं है, है ना। तो बींग हेल्दी एंड बींग इन पुअर हेल्थ इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे क्या देखा बोला गया है, वी कैन ईजिली सी दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज। अब ये कोई डिसीज से सफर नहीं कर रहा है, इसको कोई डिसीज नहीं है, बट इसके नजरिए से ये पुअर हेल्थ में है। अब मैं इस साइड आ जाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये, अब मैं अगर डांसर की नज़र से देखूँ, तो ये जो है हमारा, ये अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबली मूव नहीं कर सकता, तो इसके नज़रिए से, इस डांसर के नज़रिए से, ये जो हमारा म्यूजिशियन है, उसकी हेल्थ कैसी है, पुअर है, तो उसकी हेल्थ कैसी होगी, पुअर होगी। तो एक दूसरे के कह सकते हैं नज़रिए से देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ जो है हमारी वो कैसी है, पुअर है। लेकिन ये दोनों कोई डिसीज सफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे यार, अगर अपने अपने बात करें तो अपने अपने में खुश है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना नाच रहा है, ये मस्त अपने गाने बजा रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक दूसरे के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं लोग पुअर हेल्थ में है, ठीक है। सो यहाँ पे यही बात करी गई है, क्या, वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज। अगर हमें कोई डिसीज नहीं है, तो भी हम क्या कहते हैं, किसी के नजरिए, किसी के रिस्पेक्ट में हम पुअर हेल्थ में हो सकते हैं। ओके, चलिए जी, अच्छा जी, रुको, क्विज का क्वेश्चन आ गया था, ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे, एक और हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। डिसी, अभी हम लोगों ने देख लेते हैं कि क्या क्या कर लिया यहाँ पे, ये वाला पार्ट में बता दूं आप लोगों को, डिसीज की डेफिनेशन, हेल्दी हम लोगों को पता है क्या होता है, डिसीज का डेफिनेशन मैंने बता दिया, हेल्दी और डिसीज फ्री में क्या फर्क होता है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि हेल्दी कौन है जिसका तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स हैं क्लियर है, ठीक है। एंड मैंने एक पॉइंट और कवर किया कि यस इट इज पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट बींग सफरिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं,
ओके, अब एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, मैं पहले ऑप्शंस के सामने खड़ा हो जाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिसीज का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आप लोगों के पास चार ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डिस्टर्ब्ड इज, ठीक है, या बींग अनकंफर्टेबल, बींग हैप्पी एंड बोथ ए एंड बी। जल्दी से 10 सेकंड का समय, जल्दी आंसर करो, जल्दी 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 आंसर करेंगे, 10 सेकंड का समय है, फटाक से आंसर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 सेकंड बचे हैं, 4, 3, 2 and 1, बस डन, रुक जाए करो। एंड आंसर के साथ तुम लोगों को पता है क्या करना है, ठीक है। मैं शायद पहला टीचर हूं जो तुम लोगों को स्पैमिंग करने के लिए बोल रहा हूं, तो तुम फर्सत से बड़े तरीके से स्पैमिंग कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लाइन लगा देना, ठीक है, मतलब 12 देनी चाहिए, ऐसा कर दो। चलो जी, धीरे धीरे करके हम अपनी वीडियो पे हाईएस्ट कमेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। अभी तो बच्चे हमारे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो एक टाइम बाद जब ऐसा आएगा तो हम लोग अपनी वीडियो पे हाईएस्ट कमेंट्स का रिकॉर्ड बनाए करेंगे, ठीक है। चलो जी, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट चॉइस क्या है, डिसीज का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब्ड इज, ठीक है, बींग अनकंफर्टेबल, अरे बींग हैप्पी थोड़ी ना, अगर कोई इंसान खुश है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो डिसीज थोड़ी ना है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा अपना करेक्ट चॉइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम सिर्फ फोकस करेंगे किसके ऊपर, डिसीज के ऊपर, कैसे होता है डिसीज, क्या इसका लॉजिक है, क्या नहीं है, इसके बारे में जरा समझते हैं। सॉरी सर, भी सफर कर रहे हैं फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड, ठीक है, तो आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बारिश वारिश हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इस चक्र में चीजें ऐसी हो जाती हैं। आते हैं पहले पॉइंट पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोगों ने इस टर्म में, यानी कि टर्म वन के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यूज। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे से ही पढ़े हों, है ना, तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था टिश्यूज। हम लोगों ने क्या बोला था भाई, टिश्यूज जो होते हैं हमारे, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म क्या, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, वो कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं बहुत सारे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है किसमें हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, यानी कि मसल्स का और स्केलेटन का सिस्टम है, ठीक है। एंड ये किसका बना होता है, बोन्स का और मसल्स का, और ये हेल्प करता है किसको, बॉडी को होल्ड करने में, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसको एक साथ रखने में। हम लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, मैं आप लोगों को बस ये बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर मान लो कि डिसीज में क्या होता है कि इफ इन केस हमारी जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये अच्छे से काम ना करें, ठीक है, अगर ये हमारे फंक्शन जो है, इनका फंक्शन जो है, ठीक है, या ये डज नॉट परफॉर्म ये जो फंक्शन है इनके, ठीक है, प्रॉपरली, तो उस कंडीशन को भी हम लोग डिसीज कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी थी किसकी, मस्कुलोस्केलेटन की, तो यहाँ पे स्केलेटन है, ठीक है, मसल्स यहाँ पे नहीं है, बट स्केलेटल सिस्टम देख रहा है। अब यहाँ पे अगर स्केलेटन का मूवमेंट वगैरह बड़े तरीके से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारा ये जो आपको पूरा का पूरा सिस्टम देख रहा है, अगर इस सिस्टम के अंदर कोई भी, ठीक है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग हुई, इस सिस्टम के अंदर कोई भी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हुई, पता नहीं क्या ही लिख देता हूँ कभी कभी, तो क्या हो जाता है, ठीक है, एक मिनट रुको। अगर इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल, ठीक है, क्या हुई, फंक्शनिंग हुई, डेट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग एंड इट विल लीड टू अ डिसीज, और वी कैन से इट लीड टू अ सिम्टम। जैसे कि मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना थोड़ा खराब कर दिया, ठीक है, तो हो सकता है इंसान जो अपना खाना जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो अनडाइजेस्टेड खाना निकल जाएगा, या कह सकते हैं इंसान को हो सकता है लूज मोशंस लग जाए। अब हो सकता है कि भाई यहाँ पे हमारी जो मसल्स वगैरह हैं ये अच्छे से मूव नहीं कर रही हैं, या कुछ दिक्कत आ जाए, तो हो सकता है कि मसल्स और बोन से रिलेटेड क्या हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, ठीक है, बॉडी पेन हो सकता है आप लोगों को, हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर कोई ऑर्गन हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सिम्टम भी हमारे उसी से एसोसिएटेड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर लंग्स की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम जो होता है आप लोगों का, उसमें आता है हमारा लंग्स। अगर लंग्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, तो अगर कोई भी हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है अच्छे से काम नहीं करेगा तो इट विल लीड टू अ डिसीज, इट विल लीड टू अ
डिसीज, और मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि इन सब की वजह से डिसीज हो रही है ना। दिस इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिसीज बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिसीज इज। अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या पता लगता है इन सब सारी चीज़ों से कि भाई कोई कोई ना कोई तकलीफ है। जब हमारे ऑर्गेन्स जो हैं अपने अच्छे तरीके से काम नहीं करते तो कोई ना कोई तो तकलीफ है, बट हमें इससे ये नहीं पता लगता कि यार असल में दिक्कत क्या है। समझ रहे हो, हमें ये पता लग जाता है कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है, बट ये नहीं पता लगता एग्जैक्टली कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, बताओ भाई कैसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो हेडेक जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे ब्रेन के अंदर, ठीक है, मेरा ब्रेन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत है। अब मेरे को यह कह सकते हो मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। हेडेक जो है मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर आप किसी के सर में दर्द हो रहा है, इट मे बी बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस, ठीक है, और रियली इट मीन मेनिनजाइटिस। अब बहुत सारे बच्चे ये नाम सुन करके घबरा गए होंगे कि मेनिनजाइटिस क्या, ये इतना खतरनाक सा नाम क्या लिख दिया है, ठीक है। बता देते हैं, थोड़ा प्यार से घबराइए नहीं, बायोलॉजी है, इससे बहुत प्यार करवा देंगे आप लोगों को, पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो मेनिनजाइटिस, ठीक है, क्या होता है भाई, देखो हमारा जो ब्रेन होता है ना उसको बड़ी प्रोटेक्शन में रखा जाता है, ठीक है, उसको बड़ी ही प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तो ये जो ब्रेन की कवरिंग होती है, ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के ऊपर हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, कवरिंग देखने को मिलती है। तो ये जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम मेनिनजाइटिस रखा गया है। उसका नाम क्या रखा है, मेनिनजाइटिस रखा गया है। और जब इसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, इसके अंदर कोई परेशानी हो जाती है, ठीक है, ये जहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस कहते हैं। तो अगर हमारी ब्रेन की कवरिंग में या लेयर में, ठीक है, दिक्कत आए तो उसमें भी, उस वजह से भी पेन हो सकता है, है ना। तो हेडेक जो है दो वजह से हो सकता है, क्या, स्ट्रेस की वजह से, और एग्जाम का स्ट्रेस तो किसी को होता नहीं है, स्ट्रेस सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है हम लोगों को, एंड उसके बारे में हम जरा बात नहीं करना चाहेंगे, उस मुद्दे से जरा आगे चलना चाहेंगे, ठीक है। स्ट्रेस जो है एक इंसान दे सकता है, अब वो कौन सा इंसान है ये सबको अपने अपने बारे में खुद से सोचना है। एग्जाम का स्ट्रेस तो मैंने कुछ खास इतना देखा नहीं, अगर एग्जाम में तुम पढ़ के जा रहे हो तो कोई स्ट्रेस होगा नहीं, ठीक है। चलिए, सो अगर हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स जो हैं थोड़ा सा फंक्शन डेविएट कर दिया, थोड़ा सा इनके अंदर फंक्शन खराब होता है, तो हाँ इससे हमें पता लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी है हमारे अंदर, लेकिन क्या वो खराबी है, किस मतलब क्या उस खराबी में हो रहा है वो पता नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि हेडेक जो है हम लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, मेनिनजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, बट अब हम क्या बोलें कि हम लोगों को है क्या, स्ट्रेस है मेनिनजाइटिस है, क्या बोलें, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए डिसीज एंड इट्स कॉजेस में हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपके ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहे थे अच्छे तरीके से, एक मिनट को, हाँ जी, आपके ऑर्गन सिस्टम जो थे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने अच्छे से काम नहीं करा, डाइजेस्टिव सिस्टम ने अच्छे से अगर काम नहीं करा तो आप लोगों को क्या फील हुआ, या आप लोगों की बॉडी के अंदर थोड़ा लूज मोशंस वगैरह हो गए, ठीक है, लूज मोशंस वगैरह हो गए, अच्छा जी ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसने अच्छे से काम नहीं किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें अगर इसने अच्छे से काम नहीं किया तो क्या हो गई, हो गई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। सर की राइटिंग बहुत ज्यादा ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अच्छा जी। अगर हम एक और सिस्टम ले लें, ठीक है, अगर हम एक और सिस्टम ले लें, ठीक है, कौन सा लिया था हम लोगों ने, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, या मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। अगर इसमें कोई दिक्कत हो गई तो हो सकता है कि वी मे सफर फ्रॉम बॉडी पेन, बॉडी पेन। तो ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों को यहां पे दिख रही हैं, ये ऑल थ्री थिंग्स जो आप लोगों को यहां पे दिख रही हैं, ये सब कुछ जो आप लोगों को दिख रहा है, ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स आप फील कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी फील बाय वन, इट कैन बी फील बाय वन, आप इसको खुद से फील कर सकते हैं, एंड इन सबको हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। वो प्रॉब्लम्स जिसको आप खुद फील कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सिम्टम्स, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी समस्या जिसको आप खुद से फील कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। यहाँ पे सारे के सारे क्या हमारे सिम्टम्स हैं, ओके, अच्छा। अब
एक और शब्द आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइंस एंड सिम्टम्स, ये हमारे सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स इज समथिंग विच वी कैन फील, इट इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, सम प्रॉब्लम विच वी कैन फील, ठीक है, वी कैन फील। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, एक और शब्द है साइन। तो सिम्टम अगर ये है तो फिर साइन क्या है, ठीक है, सिम्टम अगर ये है तो फिर सर साइन क्या है, साइन के बारे में भी तो बताओ कि साइन क्या होता है हमारा। सिम्टम तो आपने बता दिया, लेकिन साइन क्या होता है इसके बारे में बताओ। देखो बेटा, साइन वो कंडीशन है या साइन एक ऐसा बिहेवियर है, ठीक है, साइन आप कह सकते हैं एक बिहेवियर है या एक चेंज है, एक बिहेवियर या आप कह सकते हैं एक चेंज है, जो कौन ऑब्जर्व कर सकता है, जो हमारा सामने वाला इंसान ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड बाय अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे डॉक्टर लिख लो, ये आपके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह। बेसिकली बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे साइन होते हैं ये एक बिहेवियर या चेंज होता है, दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय अदर पर्सन। अब अदर पर्सन में कोई भी आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है, घर वाले आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब आप लोगों को लूज मोशंस लगे हैं, इसमें तो चलो ठीक है, क्या ही घर वाले सोचेंगे कि भाई इसके पेट में दर्द हो रहा है, या आपकी थोड़ी मतलब आपका फेस जो बॉडी से पानी वगैरह चाहिए चले जाएगा, ठीक है। लूज मोशंस में क्या होता है, एक्सेस ऑफ पानी निकलता है, तो आपका फेस थोड़ा ड्राई ड्राई सा अपीयर होगा। हो सकता है आपके घर वाले देख करके पहचान जाए कि भाई तेरा फेस इतना सूखा सूखा सा लग रहा है, क्या हो गया है, ठीक है। या फीवर में गर्म गर्म होते हैं हम लोग, अब हमें अंदर से तो मतलब फील हो रहा होता है कि हम बहुत थके हुए टायर्ड हैं, बाहर से लोग हमारा हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि यार इतना गर्म हो रहा है तो क्या है, तो गर्म होना एक साइन है, गर्म होना साइन, ठीक है। या बहुत टायर्ड सा फील कर रहे हैं वो क्या एक साइन है, आपकी बॉडी जो है थोड़ी रेड रेड हो जाती है वो क्या एक साइन है, ठीक है। आपको किसी मतलब उसने मतलब कह सकते हैं कोई मतलब बॉडी पे रैशेज हो गए, लाल रंग के रैशेज हो गए, अब उसको दूसरा देख सकता है, क्या एक साइन है। डॉक्टर आपको कैसे पता लगाता है, कहीं ना कहीं पहले आप लोगों की आंखें वगैरह वो देखता है, आंखों में टॉर्च वगैरह मारता है, ठीक है, जीभ पे टॉर्च मारता है, उसके बाद हार्ट बीट चेक करता है और फिर बोलता है कि अच्छा ये दिक्कत है। तो जो दूसरे लोग ऑब्जर्व कर सकें उसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। जो हम खुद फील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिम्टम कहते हैं, ठीक है। मेरी बॉडी में फीवर की वजह से थकान हो रही है, मेरी बॉडी में फीवर की वजह से थकान हो रही है, लेकिन मेरी बॉडी जो बाहर से हीटअप हो रही है उसको दूसरे लोग भी देख सकते हैं, दूसरे लोग भी फील कर सकते हैं। अगर गलती से किसी का मेरी बॉडी के ऊपर हाथ लगेगा तो उसको पता लग जाएगा इसकी बॉडी गर्म हो रही है, एंड वो शायद छूटते ये बोले कि यार हो सकता है तेरे को फीवर हो रहा है, तो प्लीज डॉक्टर से मेडिसिन ले ले। तो साइंस एंड सिम्टम्स में डिफरेंस पता होना जरूरी है। आप लोगों को ये सारे छोटे मोटे डिफरेंसेस जो है मैं करवाऊंगा, बट एक बार कोशिश करना, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क ही मान लो, क्योंकि मैं इन क्लास होमवर्क देना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, तो एक छोटा सा होमवर्क मान लो कि आप लोगों को साइन और सिम्टम के बारे में डिफरेंस लिख करके आना है। एक और होमवर्क मैं दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। वो स्लाइड हमारी किसकी है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज। अब ये एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज हमारा क्या होता है, डिसीज के बारे में हम जान रहे हैं, बहुत देर से बात कर रहे हैं, ठीक है, साइंस और सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एक मिनट इसको जरा सही कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे किसी एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज की। चलो जी, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज क्या होता है हमारा, एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज इसके बारे में जरा ध्यान से बहुत ही प्यार से समझेंगे। देखो यार, कुछ डिसीज जो होती है ना, मैं बस होती हैं एक दो हफ्ते के लिए खत्म हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी डिसीज या ऐसी डिसीजेस जो होती हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको हम कहते हैं एक्यूट डिसीज। अच्छा जी, ठीक है, अब आप एग्जांपल भी मांगेंगे, अभी देते हैं एग्जांपल, रुक जाओ पहले यहां पे लिख दें। ऐसी डिसीज, ठीक है, जो होती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और कभी कभी ये डिसीज तो लाइफ टाइम भी चल जाती है, कभी कभी ये डिसीज तो लाइफ टाइम भी चल जाती है। बताइए, ये तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। एक्यूट डिसीज में हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया, नॉर्मली जो खांसी जुकाम होता है या बुखार होता है, कॉमन कोल्ड, कफ, खांसी, ठीक है, टाइफाइड वगैरह, ये सारी डिसीज ऐसी हैं जो एक हफ्ते में या 15 से 20 दिन के अंदर निपट लेती हैं।
कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो 7 दिन के अंदर ठीक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं इन केस ऑफ क्रॉनिक डिसीज, तो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है एलिफेंथियासिस। इसका इमेज जो है मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा, ठीक है। एलिफेंथियासिस हो गया, ये एक ऐसी डिसीज है जो पूरी की पूरी लाइफ टाइम रहती है, पूरी की पूरी लाइफ टाइम रहती है। कैंसर, ठीक है, कैंसर छोड़ो, ट्यूबरक्लोसिस, अगर ट्यूबरक्लोसिस की भी बात करें, अगर किसी को हो जाता है तो भाई बहुत सालों तक रहता है, कम से कम मिनिमम 7-8 महीने तो मान लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, कैंसर की, तो कैंसर भी बहुत लंबे समय तक रहता है, ये भी ठीक नहीं होता, लाइफ टाइम ही रहता है। तो बेसिकली दीज आर टू टाइप ऑफ डिसीज, एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज, ठीक है। किस बेसिस पे? टाइम पीरियड के बेसिस पे। अभी हम लोग आगे क्योंकि टाइप्स ऑफ डिसीज करेंगे, तो इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या बेसिस है, यहाँ पे टाइम पीरियड का बेसिस है। आगे हम लोग अलग भी डिसीज करेंगे, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, वो भी करेंगे, बट अभी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। सो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज का डिफरेंस मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे, मेरे को टेबल जो है बना करके शेयर करेंगे अपने साथ, ठीक है। या अगर आप लोग सच्चे हुए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ही पॉइंट्स लिख करके भी मुझे भेज सकते हो, जब तुम इतनी चैटिंग कर सकते हो तो 2 मिनट हमारे लिए भी निकाल सकते हो, हमें भी मैसेज कर देना, ठीक है। हम क्यों पीछे रहें, फिर हम भी चैटिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है लिख करके भेज देना अच्छे तरीके से, सेम लिख करके भेजोगे तो भी चलेगा, बट लिखना कौन सा एक्यूट और क्रॉनिक, एंड यहाँ पे हमारा ये कहाँ गया, साइन और सिम्टम दोनों के पॉइंट्स लिखना, एग्जाम्पल देना, ठीक है। तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा, और अगर मेरे को रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो ही हम नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे, वरना भूल जाओ, ठीक है, कि तुम्हारा टर्म टू होने वाला है, हम नहीं करवाएंगे फिर। तो इससे अच्छा है कि पूरा काम टाइम से करके दीजिए, ताकि हम भी क्या कहते हैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकें, ठीक है। एंड उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे, जो ये चैप्टर हमारा है, ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, विद इन 2 or 3 lectures दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। उसके बाद हम लोग एक मेंटिक क्विज वगैरह भी करेंगे, बहुत बड़े तरीके से प्लान कर रखा है सब कुछ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। आई होप यहाँ तक जितना भी पोर्शन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत मैंने प्यार से समझाया, अच्छे तरीके से समझाया। एंड इफ इन केस, अगेन इफ इन केस कहीं पे किसी को दिक्कत होती है तो अपने डाउट्स मुझे भेजते रहो, हम लोग उसको इकट्ठा करते रहेंगे। एंड इन 4th lecture आई विल बी टेकिंग मेंटिक क्विज, मेंटिक क्विज के अंदर भी मैं क्या कहते हैं डाउट सॉल्विंग करूंगा, ठीक है। तो डाउट्स वगैरह भेजते रहो, मैं लिखते रहूंगा, कहाँ पे भेजने हैं, अगेन कमेंट सेक्शन आप लोगों का सोल्यूशन है। एंड इफ इन केस किसी के डाउट्स नहीं सॉल्व होते हैं तो वो मतलब पहले तो सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो बोलना, वो मैं टाइम आने नहीं दूंगा, मैं सबके डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।